जिसे एक बड़ी खबर है। सीपीआईएम नेता की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दरादली चौक पर शव के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया, विरोध में आदिवासी संगठनों ने आज बंद बुलाया। रिंग रोड पर हत्या के बाद भारी संख्या में भीड़ जुटी है, स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है और भीड़ ने जमकर वहां पर उत्पात मचाया, आगजनी की और तोड़फोड़ भी की है। बता दें आपको कि पुलिस प्रशासन के गाड़ियों पर, अधिकारियों के गाड़ियों पर तोड़फोड़, गाड़ियों पर पथराव किया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया है। दलादली चौक पर शव के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया है और इसी विरोध में आदिवासी संगठनों ने आज बंद बुलाया है, बंद का आह्वान किया गया है। आदिवासी संगठन काफी ज्यादा नाराज हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। और आपको बता दें कि सीपीआई नेता की हत्या उनके ही ऑफिस में घुस करके लोगों ने की है। और बताया जा रहा है कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के घर के महज 900 मीटर की दूरी पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि पौष इलाका है, इसके बावजूद भी वहां पर पुलिस अलर्ट पर नहीं थी और बदमाश, बेखौफ बदमाश इस घटना को अंजाम देते हैं और बड़े ही आराम से वहां से फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद काफी ज्यादा बवाल है लोगों में और बवाल कर रहे हैं लोग, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दलादली चौक पर शव के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया है, विरोध में आदिवासी संगठनों ने आज बंद बुलाया है। रिंग रोड पर हत्या के बाद भारी संख्या में भीड़ जुटी हुई है, स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है। बता दें आपको कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, पुलिस दबिश दे रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस वहां पर तैनात किए गए हैं, लेकिन इसका विरोध, इस घटना का विरोध लोग कर रहे हैं, आक्रोशित हैं लोग, शव को सड़क पर रख करके जाम कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है, स्थिति बेहद वहां पर संवेदनशील है, इसलिए पुलिस बलों की तैनाती की गई है। हथियारों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है।